इस नोटिस पर आने से पहले कुछ बातें जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए। कुछ दिन पहले आपने देखा रहा होगा कि डेली बाइट्स पर एक ये वाला लेक्चर डाला गया था कि टोटल सीट्स न्यू नोटिस करके। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आपने यहाँ देखा होगा। जब आप इस लेक्चर को देखे होगे तो देखो यहीं पर वो बात आती है कि क्या होता है एक्सपीरियंस, रैशनैलिटी, और क्या होता है किसी बात को सही तरीके से रखना बिना सेंसेशन के कि अब घट गए हैं कॉलेजेस, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस वीडियो लेक्चर में देखना, बहुत प्रैक्टिकल ढंग से मैंने आपको बात समझा रखा था कि इट इज वेरी हाईली अनलाइकली कि कोई भी कॉलेजेस ऐसा हो कि आईपी यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन ना ले या फिर अपना एडमिशन विदड्रॉ करे, क्योंकि वो कॉलेजेस ऑलरेडी अच्छा खासा फंक्शन कर रहे हैं, अच्छे खासे कॉलेजेस हैं वो, उनका अच्छा खासा फी वगैरह ले रहे हैं, पूरा सीट भर जा रहा है, वो क्यों अपना जो है एनरोलमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी से कैंसिल करेंगे। लेकिन बेवजह, मतलब निःशब्द कर दिया जाए आदमी को। उस समय इन्होंने एक लिस्ट जारी किया कि इस साल के और 16 कॉलेज ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखोगे न्यू नोटिस आ गया रिगार्डिंग रिवाइज सैंक्शन ऑफ इनटेक। अब तुम यहाँ देखोगे कि टोटल वापस से 23-24 जो कॉलेजेस हैं, यहाँ 23 शो कर रहा है, काउंसलिंग में 23 शो कर रहा है, टोटल 23-24 कॉलेजेस जो हैं पूरा पूरा आपको अब शो कर रहा है यहाँ पर। मतलब इट इज नॉट वेरी क्लियर ऑल्सो कि भाई तुमने पुराना वाला नोटिस दिया भी क्यों था। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है इन कंटिन्यूएशन टू यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन 74/2023 डेटेड 19 जुलाई 2023 कि इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट दैट द टोटल सीट्स अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट इन प्रोग्राम बी एट सीटी कोड 122 फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 इज एज गिवन बिलो। अब ये कॉलेज पिछले साल भी थे, जबरदस्ती इन्होंने नोटिस दिया कि नहीं 16 हो गया है। अब इनका जो भी बैकएंड से केमिस्ट्री रहा हो, जो भी उन लोगों का आपस में हिसाब किताब हो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का, नहीं सेट बैठा हो। अब देखोगे जीएनसी, कालका, तमाम अच्छे अच्छे कॉलेजेस को जिनको इन्होंने इस लिस्ट में नहीं रखा था, अब सभी कॉलेजेस को इन्होंने यहाँ पर लिस्ट में डाल दिया है। और जब मैं कहता हूँ कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम को डेली बाइट्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड, आप जाके लेक्चर देखो, यहाँ पर मैंने यही सारी बातें समझाई हैं कि इट इज वेरी मतलब अनलाइकली ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस समय स्टूडेंट्स बेवजह परेशान है, अननेसरी एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हो, सेंसेशन क्रिएट कर रहे हो, और पहुंच कहाँ रहे हो, कुछ नहीं। काउंसलिंग शुरू हो गया और सारा कुछ वैसे ही चल रहा जैसे चल रहा था, और बस बीच में क्या है, आप बेवजह परेशान हो रहे हो, उधर उधर भाग दौड़ रहे हो, ये बता दो, वो बता दो, ये हो गया, वो हो गया। हमेशा आप केवल और केवल ऑफिशियल नोटिस पर जाइए, वही मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। एंड लास्टली काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली अच्छे खासे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अपना कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लिया होगा। कोई ऐसा है जो नहीं सेलेक्ट किया तो थोड़ी देर में डेली बाइट्स पर डिटेल्ड कितना कितना रैंक है, तो कितने कितने आपको कॉलेजेस फिल करने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे काउंसलिंग में लॉग इन करके सारा कुछ फिल करना है, अभी डिटेल में आपको लेक्चर काउंसलिंग का देखने के लिए मिलेगा। लास्टली कभी भी आप परेशान उन चीजों के लिए हुआ करिए जहां पर जेन्युइनली आप कोई बदलाव ला सको। आईपी यूनिवर्सिटी कितना कॉलेज रहेगा, नहीं रहेगा, उसको यूट्यूब पर इधर उधर मैसेज करके परेशान होने से कोई तर्क नहीं बन रहा है, क्योंकि देखोगे मोर और लेस ये बात बहुत ही, हमें उस लेक्चर में मैंने बार बार कहा कि ये बात बहुत इलॉजिकल है। समझ लो जीएनसी जैसा कॉलेज है, कालका जैसा कॉलेज है, उनके सारे 100 सीट्स भर जा रहे थे, वे हैडन्ट गॉट एनी पर्पस टू कैंसिल देयर सीट्स या फिर एडमिशन न लें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी का कोई और डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। डेली बाइट से सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।